बिजनेस के लिहाज से जर्मनी बहुत अच्छा है, उसके बाद स्वीडन बहुत अच्छी ऑप्शन है लीगल हैं अगर आप तो, और बाकी पुर्तगाल में बिजनेस का मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे इजीएस्ट जो बिजनेस है वो पुर्तगाल में है। कुछ भी आप छोटी सी शॉप ले लें 3-4 हज़ार यूरो में और आप अपना 1200-1300 यूरो आराम से कमा सकते हैं, 5-6 हज़ार की आप शॉप डाली हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 48 कंट्रीज़ में हमारा जो है ना प्रोडक्ट जा रही हैं, और मैंने खुद भी तकरीबन नियरली 150 सिटीज़ में दुनिया के जो है विज़िट किया हुआ है। यूरोप की मार्केट का ये हिसाब है कि यूरोप बड़ा नीट एंड क्लीन बिज़नेस करते हैं, ये लोग ना फेक नहीं हैं, इनको ये ओरिजिनल चीज़ लेते हैं, क्वालिटी की चीज़ लेते हैं और पेमेंट में आपको तंग नहीं करते, आपकी क्वालिटी बोलती है। मतलब मेरा चेहरा आप किसी के सामने ले जाएं हमेशा उदे को सलाम होती है, बंदे को सलाम नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं हमारे वो पुर्तगाल को लेके उनके अंदर एक बड़ा क्रेज़ पाया जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को लेके सबसे इजी प्रोसेस है वहाँ पे। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि नया बंदा जो पाकिस्तान से आना चाहता है या इंडिया से आना चाहता है या दुबई या सऊदी अरब में जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पुर्तगाल में आके वो अपना कारोबार कर सकते हैं और कहाँ से वो स्टार्ट लें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक और खूबसूरत वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, एथन शहर में हम मौजूद हैं ग्रीस में। यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी से, यकीनन जी बहुत ज़्यादा लोग जो ऑलरेडी व्यूवर्स हैं पंजाब यूरो टीवी को वो इनको जानते होंगे, शेख उमर साहब हैं, ये पुर्तगाल से तशरीफ़ लाए हैं, इनका बिज़नेस ट्रिप है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक अपना स्टॉल लगाया हुआ है, किस चीज़ का है और इनका ओवरऑल बिज़नेस एक्सपीरियंस कैसा है। यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी जो यूरोप में बिलखसूस बिज़नेस करना चाहते हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई, आप खैरियत से, मिजाज ठीक हैं आपके? बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू ग्रीस मेरे भाई। शेख साहब सबसे पहले नाज़रीन को दोबारा मुख्तसरन अपना तारुफ करवाइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। जी मैं उमर शेख मेरा नाम है, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और मैं पुर्तगाल में रहता हूँ लास्ट 10 ईयर्स से, और मैं पाकिस्तान पुर्तगाल इत्तेहाद कम्युनिटी जो हमारी पुर्तगाल में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और इधर मैं पुर्तगाल से ग्रीस आया हूँ एथेंस में, हमारा एक एग्जीबिशन है हेल्थ एंड ब्यूटी का, तो उस सिलसिले में मैं इधर पार्टिसिपेट किया मैंने, तो मैं आया हूँ। अच्छा ये बताएँ कि कितनी दफ़ा आप ग्रीस आइए, पहले भी आ चुके हैं आप? जी मेरा तकरीबन ये 13वां-14वां ट्रिप है ग्रीस में, और फ्रीक्वेंटली मैं ग्रीस आता रहता हूँ और एज ए बिजनेस ट्रिप ही आता है, वैसे तो प्रिविलेज ट्रिप तो कम ही होता है, आप बिजनेस के सिलसिले में आते हैं। अच्छा ग्रीस के अलावा कहीं और भी आप एग्जीबिशन के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारा क्योंकि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और वो आपको पता है सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उधर मतलब हमारा जो जितनी प्रोडक्शन है पाकिस्तान में फुटबॉल की, स्पोर्ट्स गुड्स की, स्पोर्ट्स वेयर की, सर्जिकल की, वो सारी इधर पाकिस्तान में सियालकोट में होती है। तो हमारा भी लाइन जो है वो ऑलरेडी फुटबॉल की और सर्जिकल की प्रोडक्ट्स की है ब्यूटी हेल्थ में, तो उस सिलसिले में हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैं इधर आता रहता हूँ। ये बड़ा एक पोटेंशियल कंट्री है, लोग इसको थोड़ा सा ईजी लेते हैं ग्रीस या पुर्तगाल को कि यार ये कोई थर्ड कंट्री है यूरोप के, थर्ड वर्ल्ड, ऐसी बात नहीं है, इधर बहुत पोटेंशियल है और बहुत काम है। अच्छा, ये फरमा दीजिए यूरोप में सबसे ज़्यादा जो वेल्थी मार्केट है वो कौन सी है, ग्रीस है या कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है? देखिए प्रोडक्ट्स कोई भी होती है ना, मतलब हमारे पाकिस्तानियों का मामला ये होते हैं कि हम ना अगले को देख के मुँह लाल कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में ना पहले खुद स्पेशलाइज हो, उसकी थ्योरी का आपको पता हो तो फिर आप इन हो। और मार्केट जो आपने क्वेश्चन किया, मार्केट यूरोप की सबसे बड़ी जो है वो जर्मनी की है, जर्मनी के बाद फ्रांस सेकंड नंबर पे है, उसके बाद ये छोटे स्कैंडिनेविया कंट्रीज हैं, लेकिन ग्रीस का ये है कि ग्रीस वाले क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं, यूनिट जर्मनी के लेवल का नहीं लेते लेकिन ग्रीस में पोटेंशियल है, और आपकी क्वालिटी बोलती है, बंदे का चेहरा नहीं बोलता, आपकी चीज़ है वो खुद बहुत बोलेगी कि इसमें कितनी पोटेंशियल है। सो कितने दिन का आपका ट्रिप है, और ये भी साथ बता दें कि जो अखराजात होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर हम भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने, यहाँ पे स्टॉल लगाएं, तो वो जो एक्सपेंसिव है वो भी ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर करें कि तकरीबन अराउंड 4 से 5 हज़ार जो है ना एक एग्जीबिशन की चार्जेस होते हैं 2 से 3 दिन के। अभी आप 2 दिन यहाँ पे आपने ये स्टॉल लगाया, तो इसके जो एक्सपेंसिव है वो क्या है? इसमें टोटली होता है ना कि एक्सपेंसिस वगैरह तकरीबन जो स्पेस हम लेते हैं वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार यूरो की है। उसमें आपको रॉ स्टैंड मिलता है, उसमें अब यह कि आपने प्रोडक्ट अपनी खुद डिस्प्ले करनी होती है, और उसके अलावा फिर आपके टिकट वगैरह के खर्चे होते हैं उसका, और उसके अलावा आप आते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, तकरीबन एक बंदे का एक दिन का होटल का खाने पीने का 100 यूरो खर्चा आता है एक बंदे का मिनिमम, तकरीबन 7-8 हज़ार यूरो का एक ट्रिप बन जाता है 5-6 दिन का, उसमें बिल्कुल इतने का बन जाता है। आ दीजिए शेख साहब, कितने ममालिक में आप अपना कारोबार कर रहे हैं या आपके जो क्लाइंट है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 48 कंट्रीज़ में हमारा जो है ना प्रोडक्ट जा रही हैं, और मैंने खुद भी तकरीबन नियरली 150 सिटीज़ में दुनिया के जो है विज़िट किया हुआ है। क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं हमारे वो पुर्तगाल को लेके उनके अंदर एक बड़ा क्रेज़ पाया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को लेके सबसे ईजी प्रोसेस है वहाँ पे। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि नया बंदा जो पाकिस्तान से आना चाहता है या इंडिया से आना चाहता है या दुबई या सऊदी अरब में जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पुर्तगाल में आके वो अपना कारोबार कर सकते हैं और कहाँ से वो स्टार्ट लें? इसमें अभी आप लास्ट टाइम अली भाई आप आए थे पुर्तगाल में भी, आपने जरनवाई हमें बख्शी थी, उसमें आपने वीडियो भी बनाई थी, मैं उसमें फिर थोड़ा सा गोशगुजार कर देता हूँ कि पुर्तगाल एक इस वक्त दुनिया के अंदर 178 कंट्री में से एक वाहिद कंट्री है मेरे नज़दीक यूरोप में जो कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस उनका बहुत नीट एंड क्लीन है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी किसी भी किस्म के भी कोई एजेंट माफिया ये लोगों से दूर रहें, लीगल है या इनलीगल है, आप जब पुर्तगाल में टच कर जाते हैं आप उधर अपना फिनांस नंबर बनवाएँ, खुद जाके एक रुपया नहीं लगता, सोशल नंबर फ्री है वो बनवाएं, उसके बाद कहीं भी आप जाके प्रॉपर जॉब ढूंढें, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से लें, उसके बाद अपनी फाइल को लॉक करवाएं, फाइल लॉक जब आपकी हो जाएगी आपका वो आपको एक ईमेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए हैं, उसके बाद आप टैक्स देते रहें और आई थिंक विद इन 1.5 ईयर तक दो साल के दरमियान आपके पास 2 साल का कार्ड होता है। और पुर्तगाल डॉक्यूमेंटेशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है उनका, क्लियर है, और कोशिश ये कीजिए कि किसी को भी गलत गाइड करने से या जो ये ग्रुप्स लोगों के बने होते हैं उसमें लोग कहते हैं जी हमें ये कर दें वो कर दें हम बनवा देते हैं, किसी को कुछ ना, खुद पहुँचें खुद अपने हाथों से काम कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम। कि कौन सा मुल्क ज़्यादा सूटेबल है नए लोगों के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं या वो पुशअप करता है लोगों को? देखें मैं तो ये समझता हूँ कि बिज़नेस के लिहाज से जर्मनी बहुत अच्छा है, उसके बाद स्वीडन बहुत अच्छी ऑप्शन है लीगल हैं अगर आप, तो और बाकी पुर्तगाल में बिज़नेस का मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे ईजीएस्ट जो बिज़नेस है वो पुर्तगाल में है। कुछ भी आप छोटी सी शॉप ले लें 3-4 हज़ार यूरो में और आप अपना 1200-1300 यूरो आराम से कमा सकते हैं, 5-6 हज़ार की आप शॉप डाली हो, 2-3 डिपॉजिट देने होते हैं, मोबाइल की शॉप डालें और आपको एक टेक्नीशियन बैठा लें और आप 1200-1300 यूरो आराम से कमा रहे हैं। यकीनन नाज़रीन आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, जो लोग जिनको लगे कि कुछ चीज़ें रह गई, यकीनन बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी और वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो पंजाब यूरो टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वीडियो के एंड पर इंटरव्यू के एंड पर नंबर आ रहा होगा तो यकीनन हम आपको रेफ़र कर देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पाकिस्तान पाइंदाबाद।